सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को LOC पार करके भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था, सर्दियों के चरम पर अपने परिषद कमांडोस को जिहाड़ी जुड़ा उड़ाकर भारत की सरहद के बाहर भेज और वहां पे पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख की जोड़ती कड़ी को तोड़ना। लेफ्टिनेंट सौरभ काला की अगुवाई में निकली पेट्रोलियम पार्टी बड़ी रस्सी बड़ी तरीके से गायब हो गई थी। कुछ समय बाद उनका शत विशत पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा, जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया। तो भारतीय सेना ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खगेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसने की बारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर BS धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। हवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई और नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था।